हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब पे। आप सोच रहे होंगे कि इतने दिनों के बाद सर ने आज वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, इस वजह से जो है मैं वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन आप लोगों को फिर से प्रॉपर जो है, आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरी तरफ से, मैं आप लोगों को फिर से प्रोवाइड करने के लिए जो है आ गया हूँ। और आप लोगों को जो है रेगुलर बेसिस पे जो है वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा था और बहुत बच्चों का ये जो है क्वेश्चन बन रहा था कि 10th के बाद ITI जो है कैसे करें। देखो, 10th के बाद जो है ITI कैसे कर सकते हैं। पहला जो कुछ बच्चे हैं जिनका सवाल है कि 10th के बाद हमें ITI कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरे टाइप के बच्चे ये हैं कि 12th के बाद ITI करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, दो तरीके के बच्चे मिल गए। पहले जो बच्चे हैं वो ITI 12th में कैसे कर रहे हैं, 12th में भी हैं, 12th के बाद ITI करना है। और दूसरे ऐसे बच्चे हैं कि जो हमें 12th के बाद ITI करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, सारे समस्या का समाधान और सारी चीजों को जो है मैं आप लोगों को प्रॉपर इस क्लास में जो है बताऊंगा, और इस क्लास में जो है मैं आप लोगों को प्रॉपर जो है चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे, जिस वजह से जो है मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है और जिस वजह से जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए भाई, क्या है कि 12th के बाद ITI कैसे करें। तो देखो, ITI करने का मैं तरीका बता देता हूँ कि 12th के बाद आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, 12th के बाद जो है कुछ भी नहीं करना है। 12th के बाद आपको नॉर्मल जो है किसी ITI कॉलेज में जाना है, ठीक है। देखो, अब ITI भी दो तरीके से हो सकता है। पहला जो है आप प्राइवेट, ठीक है, और दूसरा जो है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ITI से भी कर सकते हैं और प्राइवेट ITI भी कर सकते हैं। अब देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है कि गवर्नमेंट में क्या है कि आपको जो है एक एग्जाम देना पड़ेगा, यानी जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। एग्जाम देने के बाद अगर आपका रैंक आता है तो आपको किसी भी गवर्नमेंट ITI में एडमिशन मिल जाएगा, और आप जो है गवर्नमेंट ITI से जो है अपना ट्रेड कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरे ऐसे बच्चे हैं जो कि मान के चलिए कि आपको डायरेक्ट प्राइवेट में लेना है, तो प्राइवेट वाले डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। तो 12th के बाद ITI करना बिल्कुल आसान है। आप किसी भी ITI कॉलेज में जाइए, अगर आपने 12th कर रखा है तो आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए क्या है कि अगर आप 12th कर लिए हैं, ठीक है, अब देखो, ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि भैया करना कैसे है, ठीक है। कुछ भी नहीं होता है, आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन दीजिए, उसके फॉर्म आते हैं, फॉर्म को अप्लाई कीजिए, एग्जाम में बैठिए, एग्जाम में अच्छा रैंक आता है फिर आपको ट्रेड वगैरह मिल जाएगा। उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे कि आपको कौन कौन से ट्रेड मिलते हैं। और दूसरा कंडीशन प्राइवेट में है। प्राइवेट में क्या है कि जैसे आपका 12th का रिजल्ट आ गया, अगर आप चाहते हैं कि मैं ITI करूं 12th के बाद, तो आप जो डायरेक्ट जो है ITI के थ्रू जो है 12th में प्राइवेट में जाइएगा, जो भी आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट है लेके जाइएगा, आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। अब मेन मुद्दा यह है कि क्या हमें 12th के बाद ITI करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, मेरा जहां तक मानना है, मेरा ओपिनियन जहां तक ये है, आपको 12th के बाद ITI नहीं करना चाहिए। अरे सर, ये क्या बोल रहे हो। हाँ भाई, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अगर आपने 12th कर लिया है, अब देखो 12th में भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि 12th जो है अगर आपने साइंस से किया है, ठीक है, अगर आप 12th जो है साइंस से अगर आपने किया है, तो आपको जो है मैं सजेशन दूंगा कि आपको जो है ITI नहीं करना चाहिए। अगर आपने जो है 12th जो है साइंस से किया है तो आपको जो है ITI नहीं करना चाहिए। अगर आपने 12th जो है किसी और स्ट्रीम से किया है, लाइक आपने आर्ट्स लिया है या आपने कॉमर्स लिया है, हाँ ठीक है, तो अगर आप इन दोनों फील्ड से हैं तब तो है, अगर आपको ITI करने का मन है तो आप ITI कर सकते हैं। अब देखो क्या कंडीशन है, क्योंकि अगर आप 12th के बाद भी इन दोनों में से जो भी चीजें हैं आपके पास, अगर आप जाइएगा तो आपको यहाँ पे 2 ईयर का ही जो है आपको ITI करने को मौका मिलेगा, है ना। आप 10th के बाद अगर ITI करते हैं तो भी आपको 2 साल देना पड़ेगा, अगर आप 12th के बाद करते हैं तो भी आपको 2 साल देना पड़ेगा। तो मेरा जहां तक मानना है, अगर आप 12th कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं ITI करूं, तो इससे बेहतर है आप कि 12th के बाद जो है अगर आपने साइंस ले रखा है, ठीक है, 12th में अगर आपके पास साइंस है तो आप जो है ITI ना करके डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं। अब डिप्लोमा का मतलब क्या है, डिप्लोमा में जो है आपको क्या मिल जाएगा, पॉलिटेक्निक मिल जाएगा, है ना, पॉलिटेक्निक, ठीक है, पॉलिटेक्निक।
पॉलिटेक्निक में क्या होता है कि 3 साल का कोर्स होता है। अगर आप 10th के बाद जाइएगा तो 3 साल का कोर्स होगा आपका, 3 साल आप पढ़िएगा तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप 12th करके जाते हैं तो आपको जो है जो डिप्लोमा होगा वो भाई 2 ईयर का होगा। आई बात समझ में कि मैंने क्या बोला, कि अगर आप 12th करके जाते हैं, अगर डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो 2 साल देने पड़ेंगे, अगर आप 12th करने के बाद आईटीआई कर रहे हैं तो भी आपको 2 साल देना पड़ेगा। तो इन दोनों में बेहतर जो है आपको कौन सा है वो आपको देखना है ना। आप आईटीआई कर सकते हैं अगर आपके पास कम पैसे हैं, अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, जिसमें मतलब क्या है कि मतलब कम पैसे हैं आपके पास, तो आप आईटीआई कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि आपको डिप्लोमा में भी जो है टर्म एंड कंडीशन होता है कि आप यहाँ प्राइवेट से भी कर सकते हैं और आप गवर्नमेंट से भी कर सकते हैं। इसका भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। 12th बेस पे अगर आप डिप्लोमा देंगे तो उसमें हमारा जो एडमिशन होगा डिप्लोमा कॉलेज में, उसे हम लोग लेटेट एंट्री कहते हैं, है ना। लेटेट एंट्री के थ्रू जो है आप लोगों का डिप्लोमा में एडमिशन होगा, जो कि आपको 2 ईयर्स का ही हो जाएगा। यानी आपका जो एडमिशन होगा ना डायरेक्ट 2nd ईयर में होगा, ठीक है। अगर आप आईटीआई कीजिएगा तो आपको आईटीआई 2 साल देना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। तो अगर आप में से जो भी बच्चे करना चाहते हैं आईटीआई या डिप्लोमा, अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो मेरे से को आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मेरे से जुड़ने का एक और तरीका है। तरीका क्या है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अभी टेलीग्राम मिलेगा कहाँ भाई, तो ये टेलीग्राम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। अगर वो चीज नहीं देखना आ रहा है कि डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा, तो आप इसमें कमेंट्स वाले सेक्शन में चले जाइए जहाँ कमेंट करते हैं। कमेंट पे मैंने फर्स्ट पे ही टेलीग्राम का लिंक पिन कर रखा है, आप जाइएगा डायरेक्ट उस पर क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम में आ जाइएगा। टेलीग्राम में मेरे पास बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, तो आपको गाइड भी कर देंगे। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाया टाइम से तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी वहां पे जुड़े हुए हैं जो कि आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, या तो एक और तरीका है आप डायरेक्ट मेरा नंबर ले लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई व्हाट्सएप से बात कीजिएगा ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। कॉल करने से अच्छा है कि आप व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। जो भी आपकी समस्या है आप मेरे को इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा, 7980588210। इस नंबर पे व्हाट्सएप भी है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इस नंबर पे जो है आपको कॉल भी करना है, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप की सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर इसके ऊपर और चाहिए वीडियो कि डिप्लोमा में लेटर एंट्री कैसे करेंगे, आईटीआई 2 साल वाला कैसे करेंगे, तो मैं इसके ऊपर वीडियो आपको बना दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे, आप तक जाती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो नई क्लास, तब तक के लिए।